हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेजर ऑफ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वे वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड जितने भी रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ए मैन स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू द सेविंग इज 61:6। इफ हिज मंथली इनकम इज 8710, द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग इनकम इज। उसने कहा है कि एक आदमी है, उसकी जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो क्या है? 61:6। पहले हम यहाँ ये जानते हैं कि जो हमारी इनकम होती है वो क्या होती है? होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी किसी इंसान ने जितना खर्च किया और जितना उसने बचाया, वो उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे क्या बनता है? इनकम बनता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। उसने कहा कि एक्सपेंडिचर उसकी सेविंग का रेशियो क्या है? 61:6। इफ इज मंथली इनकम इज 8710, तो इसकी मंथली इनकम क्या हो गई? टोटल 67, और हमें 8710 किसकी वैल्यू दे रखी है? 67 की। और पूछा क्या है हमसे? अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग, सेविंग क्या है? 6। जो वैल्यू हमें दी हुई है उसके बटे में, उसे हम बटे में लिखते हैं, और जो वैल्यू हमसे पूछी है उसे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे 13 टाइम्स जाएगा और 13 × 6 = 78, तो 780 रुपये आ जाएगी उसकी सेविंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसने? ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो दिया हुआ है 3:2, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। और उसने बोला है कि हर एक बंदा 1000 रुपये बचाता है, तो एक ही इनकम उसने पूछी है। यानी क्या पूछा है हमने? 3 की वैल्यू पूछी है। तो अगर हम एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्या है हमारा? 5x, और इसका है 3x, उन दोनों में 1000 रुपये जोड़ देंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा? इनकम का रेशियो यानी 3:2 निकल के आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से होगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। यानी जो उसका एक्सपेंडिचर है ए का वो कितना आएगा? ये किसकी वैल्यू है? 1 की। हम 5 की निकालेंगे तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का एक्सपेंडिचर कितना आया? 5000 रुपये, और 1000 रुपये वो बचाता है। तो 5000 + 1000 कितना हो गया? उसका टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम ऑफ ए कितनी हो गई? 6000। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसने बोला है, इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। एक्स और वाई है हमारे पास, ये एक्स है वाई है, इनका जो इनकम का रेशियो है वो दे रखा है 4:3, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है? 12:7। और बोला है कि बोथ सेव्स रुपीज 3200 एट द एंड ऑफ मंथ, देन द इनकम ऑफ एक्स। तो एक्स की इनकम पूछी है और उसने बोला है कि जो 3200 रुपये हैं वो दोनों सेव करते हैं। अगर हम इनकम में से 3200 रुपये घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले में करेंगे, 3x में से 3200 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल गया? एक्सपेंडिचर। एक क्वेश्चन हमारी बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 7 × 4 = 28, 36, डिफरेंस कितना आएगा? 8x का, और ये हो जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस है 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी निकल के? इसको 12 से करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 × 0 = 10, 1 × 5 = 15 और 1 16, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 2000। पूछा क्या है?
देन द इनकम ऑफ एक्स, एक्स की इनकम पूछी है यानी 4x की पूछी है, एक्स की वैल्यू 2000 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 8000। ये आंसर होगा यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर का है, ये सीजीएल के Tier 1 में 2013 में पूछा गया था। सारे जो क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीट ही होते हैं। तो इसने बोला है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 6:5। इसको हम डायरेक्ट करेंगे जैसे एग्जाम में करेंगे, एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 4:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 400 पर मंथ देन द सम ऑफ देयर मंथली इनकम इज। उसने बोला है हमारे पास 6x और 5x उसकी मंथली इनकम है, 5x, और उसमें से दोनों 400 रुपये बचाते हैं, -400 कर देंगे तो हमारा एक इसका रेशियो निकल गया है एक्सपेंडिचर का। इसको सॉल्व करेंगे, 6 18 4 5 20, 2x इज़ टू, इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 2x इज़ टू कितना आ जाएगा, 400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 200। पूछी किसकी है, सम ऑफ देयर मंथली इनकम, इनका मंथली इनकम का सब कितना हो जाएगा, 11। तो x की वैल्यू 200 है तो हम 11 की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 2200, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोला है इफ द एनुअल इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:3:7 एंड टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए इज 8 लाख रुपीज, देन द मंथली सैलरी ऑफ बी। इसने ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है हमें, एनुअल इनकम का ध्यान रखना है, एनुअल इनकम का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1:3:7। और इसने बोला है टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए एंड सी, यानी ए और सी की टोटल एनुअल इनकम है 8 लाख रुपए, लेकिन रेशियो में क्या है हमारी, 7:8, 7:1 एट, एट है। पूछी किसकी है, बी की, तो हम बी के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब ये क्या निकल के आएगी हमारी, एनुअल इनकम निकल के आएगी, लेकिन मंथली निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 25,000। तो 25,000 आ जाएगी बी की मंथली इनकम। चलो नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज ऑफ बी एंड सी इज 3:2। इफ 1/3 ऑफ एज इनकम एक्सीड 1/4 ऑफ सीज इनकम बाई 1000, व्हाट इज बीज इनकम इन। तो हमारी बी की इनकम क्या होगी, उसने हमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2, और बी और सी का रेशियो भी क्या दिया हुआ है, 3:2। तो यहाँ से हम ए बी और सी इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए हमें बी कॉमन है तो बी को इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इससे क्या करना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 9:6:4। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आ गया, 9:6:4। अब उसने बोला है इफ 1/3 ऑफ एज इनकम, यानी 1/3 ऑफ एज इनकम, एक इनकम क्या है 9x, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सीज इनकम, 1/4 ऑफ सीज इनकम, और इससे कितनी ज़्यादा है, 1000 रुपये ज़्यादा है, तो यानी एक की इनकम ज़्यादा है 1000, तो हम इसमें 1000 ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल के आएगी, ये इधर आ जाएगा तो 2x क्या आ जाएगा हमारा, 1000, और x क्या आ जाएगा, 500, x की वैल्यू 500 आ गई। व्हाट इज बीज इनकम इन रुपीज़, तो b की इनकम क्या है, बी की वैल्यू क्या है हमारी रेशियो में, 6, ये हमारी 1 की वैल्यू है, हम 6 की निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 3000 रुपीज़, ये बीज की इनकम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं,
इस क्वेश्चन में इसने बोला है द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 10:7, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो क्या दे रखा है 10:7, तो हमारी सेविंग का रेशियो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तभी ये हमारा इनकम के इक्वल होता है। आगे बोला है इफ़ द फैमिली एक्सपेंसेस आर 10,500 देन द सेविंग ऑफ द फैमिली इज, अगर जो हमें वैल्यू है 10,500 किसकी वैल्यू दे रखी है 7 की, यानी जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें पूछी है, सेविंग की पूछी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे कि क्या आ जाएगा 4,500, यानी 4,500 रुपये क्या आ जाएगा सेविंग ऑफ फैमिली, फैमिली की सेविंग आ जाएगी। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला करते हैं, इसमें इसने बोला है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3, द एक्सपेंसेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:5:2, इफ सी स्पेंड ₹2,000 एंड बी सेव्स 700 देन ए सेव्स, तो ए की जो सेविंग है वो इसने पूछी है। पहले हम लिखते हैं ए बी और सी, इसने इनकम का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5:3। सी की इनकम का रेशियो इसने दिया हुआ नहीं है और एक्सपेंडिचर का रेशियो इसने क्या दिया हुआ है 8:5:2। सबसे पहले इसने बोला है कि सी स्पेंड 2,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये खर्च करता है, कौन करता है सी, यानी दो, तो हम यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1,000, तो इन तीनों की हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, यानी ए का एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा 8,000 रुपये, बी का आ जाएगा 5,000 रुपये और सी का तो हमारा दिया हुआ है 2,000 रुपये। ए बी और सी का क्या आ गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसने बोला है एंड बी सेव्स ₹700, अगर बी 700 रुपये बचाता है, यानी 5,000 उसका एक्सपेंडिचर है, 700 उसने बचा लिए, तो हमारी बी की टोटल इनकम निकल जाएगी वो कितनी आएगी 5,700। अब हमें बी की टोटल जो इनकम है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है ए और बी का 5:3, यानी जो 5,700 हमारी वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू निकल के आई है 3 की, निकालनी हमें किसकी है ए की, उसने पूछी है तो ए की निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा इसको 19 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 9,500 रुपये, ये क्या आ गया ए की इनकम, ये ए की इनकम आ गई। एक्सपेंडिचर है 8,000 इसका एक्सपेंडिचर है ए का, पूछा क्या है सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए, ए की सेविंग पूछी है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1,500 रुपये। नेक्स्ट करते हैं, इसमें इसने बोला है ए पर्सन बॉट सम राइस एंड वीट ₹4,380, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस एंड वीट इज 4:3 एंड द प्राइस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइस एंड वीट इज इन द रेशियो 5:6, द राइस वॉज बॉट फॉर वर्थ, तो हमें राइस और वीट का रेशियो दिया हुआ है, ये राइस है ये वीट, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3 और जो नेक्स्ट जो दूसरा रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5:6। सबसे पहले हम क्या करेंगे राइस और वीट का जो टोटल रेशियो है वो निकाल लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18। ठीक है, इसके बाद उसने दिया हुआ है कि वो कितने रुपए में ख़रीदता है 380 में, यानी 380 वैल्यू किसकी हो जाएगी 20+18 38 की, पूछा किसका है उसने सिर्फ राइस का, तो सिर्फ राइस का पूछा है, इसको सॉल्व कर लेंगे ये कितना हो जाएगा 200 रुपीज, ये किसकी वैल्यू आ गई राइस की।
ठीक है, अगर वो वेट के पूछता तो हम यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर देते, वो कितनी आती 180 आ जाती वेट की। इसका ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सीजीएल टीयर 2 के एग्जाम में आया है 2017 में, इसको करते हैं। इसने बोला है एज इनकम इज रुपीज 140 मोर देन बीज इनकम एंड सीज इनकम इज रुपीज 80 मोर देन डीज इनकम। इफ द रेशियो ऑफ ए रेशियो सी इज 2:3 एंड रेशियो ऑफ बीज एंड डीज इनकम इज 1:2। यानी हमें क्या दिया हुआ है, ए और सी का रेशियो दिया हुआ है और बी और डी का रेशियो दिया हुआ है। ए और सी का कितना दिया है 2:3 और बी और डी का कितना दिया है 1:2। ठीक है, आगे इसने बोला है एज इनकम रुपीज 140 मोर देन बीज इनकम। यानी अगर ए की इनकम 2x है तो बी की इनकम क्या हो जाएगी, बीज इनकम कितनी हो जाएगी, 2x-140 हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है ना कि ए की इनकम 140 ज़्यादा है उससे। इसी तरीके से अगर हमारी सीज इनकम 3x है तो डी की कितनी हो जाएगी, 3x-80 हो जाएगी, क्योंकि सी की जो इनकम है वो 80 रुपये ज़्यादा है डी की इनकम से। अब ये हम निकाल लेंगे, यानी बी और रिश ये हमारे बी और सी की डी की इनकम क्या आ गई 2x-140 और डी की आ गई 3x-80। और एक इसके इक्वल रख देंगे हम बी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है, तो 2x-140 अपॉन 3x-80 इज इक्वल टू 1:2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 ये 3 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 280 और ये 80 हो जाएगा, 280 में से 80, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 200 रुपये। अब इसने पूछा क्या है, देन द इनकम ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो इसने सभी की इनकम पूछी है, सबसे पहले हम ए की इनकम निकालते हैं। ए की क्या है हमारे पास 2x, यानी 2 × 200 400 आ गई। ठीक है, आगे इसने बी की पूछी है, तो बी की क्या है 2x-140 यानी 400 में से 140 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 260 आ जाएगी। सी की पूछी है इसने, सी की क्या है 3x, तो 3x क्या आ जाएगी 3 × 200 ये आ जाएगी 600 रुपीज़। और डी की पूछी है, डी की क्या आ जाएगी 3x-80 यानी जो सी की इनकम है उससे 80 रुपये कम है, तो डी की कितनी आ गई 520 रुपये। तो ए की 400, बी की 260 और सी की 600 और डी की 520। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3rd इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मोस्टली एक्सपेंडिचर और इनकम पे जो क्वेश्चन बनते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में वो यही बनते हैं। अब आगे हम इसका नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे और उसमें हम जो भी परसेंटेज या फिर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए भी हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। आपको सुबह डेली 7 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाती है। चलो चलते हैं आज के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।